क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में 30 बिलियन की मार्केट है मल्टीविटामिन्स की, सप्लीमेंट्स की। यानी कि पूरी दुनिया में लोग 30 बिलियन से ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं हर साल मल्टीविटामिन्स पे। इतनी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर किसी भी तरह की रेगुलेशन नहीं होती है। ओवर द काउंटर मिलने वाली मेडिकेशंस होती हैं और कोई भी जाकर किसी भी फार्मेसिस्ट से जाके ले सकता है। लेकिन दवाई चाहे कोई भी हो, चाहे वो मल्टीविटामिन्स है, चाहे वो सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो आपको किसी बीमारी में ठीक करने वाली दवाई है, अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान भी कर सकती है। लेकिन मल्टीविटामिन्स में ये सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है कि क्या सभी मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीविटामिन्स होते कितने टाइप के हैं, वो किस तरह से हमारे शरीर में काम करते हैं, और वो शरीर से जब बाहर निकलते हैं वो तो क्या तरीका है जो बाहर निकलते हैं, और वो शरीर में कितने टाइम तक रहते हैं, और कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो हम अपने रूटीन डाइट में ऐड कर सकते हैं जिनसे हमको ये मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले एक हार्ड फैक्ट, एक कड़वी सच्चाई बता देता हूँ। ये जो हमारा शरीर है ना, बाहर के जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, जो मल्टीविटामिन्स सप्लीमेंट्स पाउडर ये वो, उनको इतना ज़्यादा मज़े से इस्तेमाल नहीं करता है। उसको हमारे शरीर को वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, उसको नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये वीडियो इन सभी चीज़ों के बारे में है, और अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जानने का मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे अनसाइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लोग प्रोपेगेट करते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट है थोड़ी सी भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जानने का, तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में हमको लिख के भेज दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रेफरेंस के साथ में साइंटिफिक उसका जवाब दे पाएँ। तो आप देख रहे हैं शॉन टिप्स, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो जाते वक्त लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए बात करते हैं मल्टीविटामिन्स। सबसे पहली बात आती है कि विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स का मतलब वाइटा, वाइटा यानी वाइटल, यानी कि शरीर के वो काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना शरीर नहीं चल पाता, उनको करने के लिए जिन भी जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनको हम विटामिन्स कहते हैं। अच्छी बात यह है इनकी कि इनकी जो मात्रा है शरीर को बहुत थोड़ी चाहिए होती है, लेकिन इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ इस तरह से मान लीजिए कि गैस भी आपके घर में है, गैस चूल्हा भी आपके घर में है, आप उस पर रोटी नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपको उसको जलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये लाइटर का काम है या जो मैच बॉक्स का काम है, मैचिस का काम है, ये सारे काम जो है विटामिन्स करते हैं। ये इतना वाइटल होता है। तो वाइटल जो चीज़ें हैं वो ये कितने टाइप की होती है। देखिए, जो विटामिन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कि वाटर सोल्यूबल, और एक होता है फैट सोल्यूबल। तो हमें कितनी अमाउंट में लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, इसका जवाब, इसका आंसर जो है इसी एक्सप्लेनेशन में छुपा हुआ है। देखिए, एक होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का मतलब कि उसकी हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है, जो हम खाना खाएंगे शरीर को जितनी आवश्यकता है वो उतना ले लेगा, और बाकी का सारा हमारे यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो शरीर को ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाते, जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। इसमें कौन कौन से विटामिन्स होंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स को बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कई सारे विटामिन्स का कॉम्बिनेशन होता है। B1, B2, B3, B5, 6, इस तरह से कई सारे, यानी कि 12 तक के जो है ये कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो शरीर में अगर ज़्यादा भी होंगे तो बाथरूम के जरिए बाहर निकल जाएंगे। अब बात आती है कि फैट सोल्यूबल, यानी कि वसा में जो घुल जाते हैं, हमारे शरीर में जो फैट होता है उसके अंदर घुल जाते हैं, उनको फैट सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं। अब ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स का मतलब क्या है, यानी कि ये हमारे शरीर में ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर रह सकते हैं। लेकिन जो विटामिन ए, डी, ई के है, ये ऐसे विटामिन है जो कि आपके फैट में डिजोल्व हो जाएंगे और आपके शरीर में बने रहेंगे। अगर एक इंसान ठीक टाइम से अपनी डाइट खा रहा है और उसके डाइट में ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल विटामिन्स ठीक मात्रा में है, तो वो कम से कम भी 6 महीने तक का स्टोर जो है बॉडी में आराम से कर सकता है, क्योंकि फैट में डिजोल्व होकर आराम से बच सकता है। तो ये इसका फ़ायदा होता है, लेकिन यही इसका नुकसान भी हो सकता है। यही विटामिन्स अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो हमारे शरीर में इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, हाइपर विटामिनोसिस, यानी कि विटामिन्स की ज़्यादा बहुतायत हमारे शरीर में होने की वजह से कई तरह के बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं।
इसलिए जिन लोगों को ये लगता है कि विटामिन्स खाने से, मल्टी वाइटमिन्स लेने से, सप्लीमेंट्स लेने से शरीर हेल्दी रहेगा, चुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा, तो बहुत बार लोग हॉस्पिटल में ऐसे भी आते हैं कि जी मैं तो हर रोज़ एक विटामिन की टेबलेट खाता हूँ और जी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लग गई है। उसको ये बेसिकली प्रॉब्लम हो ही इसी वजह से रही है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उसके शरीर में ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं।